हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन टेक्स से पाथ ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आरएसपी जेन की जो रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिकल वालों की, वो एग्ज़ाम हुई थी 11 नवंबर को, उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर एक बार आओ बताओ। और तो सर, मैं इसमें आपको एक क्लियरली बात करना चाहता हूँ। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो टेलीग्राम चैनल पे हैं, वो एक रिजल्ट को लेकर पैनिक की तरह कर, काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान भी हो जाते हैं, हमें पर्सनली मैसेज करते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के पास नंबर भी चले गए हैं। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि पर्सनल मैसेज ना करें। अब आपको ये बात बताना होगा कि रिजल्ट को लेकर आप क्यों पैनिक हो रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। बार बार वही रिजल्ट कब आएगा, क्या आएगा, उपेंद्र यादव से मिलो, उससे मिलो, आप वहाँ जाओ। तो हम जाके भी आए, उसका भी बताऊँगा क्या बोला है, क्या हुआ। आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी देंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों, रिजल्ट को लेकर मैं कहना चाहूँगा, रिजल्ट आपका जनवरी महीने में 100% लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। आप 10-15 दिन और वेट कर लीजिए, इतने दिनों आप क्यों टेंशन ले रहे हो। आपने अपना क्रम कर दिया ना, अब फल देना ऑटोमेटिक आएगा। अगर आपका अच्छा हुआ तो अच्छा आएगा, ठीक है। बाकी जो 10-15-20%, 30%, 50% सीटें जानी है, वो तो जाएगी। अगर आपके अच्छे नंबर से, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। आगे अगर बात करते हैं कि जेन का रिजल्ट कब आएगा, जनवरी 100% आ जाएगा, जनवरी लास्ट तक। मैं लास्ट आपको, वैसे तो मेरे को जो न्यूज़ मिली है 20-21 जनवरी तक की मिली है, लेकिन जनवरी मान के चले 100% जनवरी में आएगा। उपेंद्र यादव के पास भी जाके आपको अगर और प्रूफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ जुड़िए। वहाँ हम है ना ऑफिशियली आपको दिखा देंगे जो वहाँ गए वो फोटोज सब कुछ, जो वीडियो भी ली थी हमने, ठीक है। और हम ऑफिस में भी जाके आए थे इलेक्ट्रिकल वालों में, जो अपना यह विधानसभा के पास है, तो उन्होंने भी ये कहा कि आ जाएगा, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको बताया कि जनवरी में आ जाएगा। आप लोग आप नेक्स्ट प्रिपरेशन करिए, तो टेक्निकल में ही रहना चाहते हो, टेक्निकल स्टूडेंट आगे की प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम आएगी, ये नहीं कि राजस्थान में तो एग्ज़ाम बहुत कम आती है, आप सेंट्रल एग्ज़ाम लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम है, 10-5 पोस्ट है, तो आपको उनकी तैयारी करनी चाहिए। और बात रही कट ऑफ को, कट ऑफ जैसे राहुल सर ने बताई वही रहने वाली है। राहुल सर काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी, आई थिंक कोविड पॉजिटिव ही आएंगे। उनके आज चेकअप करवाया था, कल तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे आगे की कि आखिरकार क्या हो रहा है उनके भी, तो इसका मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग ज़्यादा सीरियस मत हुई इन सब बातों को लेकर, आप नेक्स्ट अपना जो टारगेट है उसको और फोकस कीजिए। क्योंकि देखो, कोविड के वापस केसेस बढ़ने लग गए, वो 5-4 महीने हर चीज़ डिले हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन हटे, एग्ज़ाम एकदम से होती है, जितने भी आप टेक्निकल हो या नॉन टेक स्टूडेंट्स हो, जो भी एग्ज़ाम है, जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स है, मतलब विद इन 1 मंथ में क्लियर करवाने की सोचते हैं ये लोग। बाकी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस कारण भी कुछ हो सकती है प्रॉब्लम्स, लेकिन जो रिजल्ट को लेकर है वो यही अपडेट है कि इस मंथ में 100% रिजल्ट आ जाएगा। कट ऑफ है वो आपको बताई 130 से 140 के बीच जाने वाली है। और जो लोग वीडियो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी प्लीज़ अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स को भी ऐड कीजिए, हम जल्द ही आपके लिए कुछ क्लासेस लेके आने वाले। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।